आप यहाँ पे देख सकते हो 15 mm का डेप्थ है और ये फुल पूरा 3D में यहाँ पे बन के आ चुका है। आप इसका फिनिशिंग भी आप पूरा देख सकते हो। ये वुडन पे है और इसका थोड़ा पॉलिश करके हम बाद में इसको बॉर्डर कट करके ये पूरा पिक्चर हम निकाल के लगा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दत्तात्रेय और आप देख रहे हैं स्टार इन्फोटेक CNC। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम CNC राउटर पे 3D में फ्लावर बना के देखेंगे। तो इसके लिए मैंने पहले वुडन का ये लकड़ी अभी फिक्स किया हुआ है जो लिया है हाथ में मैंने। इसका मैं पूरा सेटिंग लगाऊंगा मशीन पे CNC राउटर पे इस पे और इसको मैं 3D में डिज़ाइन आर्टकैम सॉफ्टवेयर में बना के आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसका डिज़ाइन बनता है। मैं इसमें ये थोड़ा यहाँ पे स्पेस छोड़ के और यहाँ पे एक एक इंच दोनों बाजू में छोड़ के थोड़ा यहाँ पे 3D में आपको फ्लावर बना के दिखाऊंगा और उसका रब और फिनिश किस तरीके से होता है आज पूरा वीडियो में हम देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैं अपने लैपटॉप पे आपको लेके जाता हूँ और वहाँ पे वो पूरा डिज़ाइन बना के आपको देता हूँ। ऑलरेडी मैंने उसका 3D मॉडल बना हुआ है क्योंकि 3D मॉडल बनाने में आपको काफ़ी समय लगता है। 3D मॉडल है वो इम्पोर्ट करके मैं क्या करूँगा, उसके ऊपर टूल जनरेट करूँगा और वो छोड़ के आपको पूरा इस वीडियो में आपको दिखा दे दूँगा।
अभी हमने एक्स वाई और जेड जो ऑफसेट है वो दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ पर हल्का सा जॉब को टच किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद हम प्रोग्राम रन करेंगे जो कंट्रोल पैनल पे यूएसबी के थ्रू दिया हुआ है। दोस्तों अभी यहाँ पे डिज़ाइन पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पे मैंने इसको पहले क्लीन किया, उसके बाद यहाँ पे रब का टूल छोड़ दिया और उसके बाद मैंने फिनिश छोड़ दिया। अभी यहाँ पे 3D पे 15 mm पे इसकी डेप्थ है और ये फुल पूरा 3D में यहाँ पे बन के आ चुका है। यहाँ पे इसका फिनिशिंग भी आप पूरा देख सकते हो, ये वुडन पे है और इसका थोड़ा पॉलिश करके हम बाद में इसको बॉर्डर कट करके ये पूरा पिक्चर हम निकाल के लगा सकते हैं। दोस्तों इस एपिसोड में हमने पूरा फूल किस तरीके से बनाया ये देख लिया। अगले वीडियो में मैं आपके लिए गणेश जी का मूर्ति बना के दिखा दूंगा जो MDF पे है, जिसका मैं मॉडलिंग करके पूरा उसके 3D के ऊपर MDF पे मैं छोड़ के आपको दिखाऊंगा। तो अगला वीडियो जरूर देखें। थैंक यू दोस्तों, आप यहाँ पे वीडियो पूरा देख सकते हो किस तरीके से ये 3D में बना हुआ है। यहाँ 15 mm का डेप्थ दिया गया है इसका, और हो सकता है थोड़ा कैमरा में ब्लर आ सकता है क्योंकि ये येलो कलर का है, लेकिन इसका फिनिशिंग सबसे अच्छा हुआ है। 3D का आप पूरा देख सकते हो यहाँ पे। ऐसे ही डिज़ाइन और राउटर पे काम करने के लिए या ट्रेनिंग लेने के लिए हमसे कांटेक्ट करें। हमारा नया बैच अभी 4 महीने से चालू होने वाला है।